हेलो फ्रेंड्स, मैं विधि आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब ऑलवेज इज द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लास्ट क्लास में हमने आइसा टूल के बारे में जाना था, जो मैंने बोला था कि ऑटिज़म के लिए कुछ ही टूल जो हैं अवेलेबल हैं, इंडिया द्वारा डेवलप किए गए हैं, जो जिसमें से एक आइसा टूल था और दूसरा टूल है यहाँ पर जो आज हम पढ़ने वाले हैं, इनक्लाइंड डायग्नोस्टिक टूल फॉर ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। नाम से ही पता लग रहा है डायग्नोस्टिक टूल है जो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लिए बनाया गया है। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। टूल जो है किस तरीके से डायग्नोस करता है, क्या उसकी रेटिंग रहती है, मार्किंग रहती है, किस तरीके से जो है उसे जो है बच्चों को डायग्नोस करने के लिए हेल्पफुल है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। कैसी लगी क्लास ये ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब अपना रिव्यू देते हैं कि क्लास कैसे लगी तो ज़रूर दीजिएगा। और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी जल्दी से दबा लीजिए। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ पे और ज़्यादा अपडेट और इन्फॉर्मेशन आपको इसी फील्ड की मिलती रहती है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम टूल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनक्लाइंड डायग्नोस्टिक टूल फॉर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये उसका पूरा नाम है, जिसे शॉर्ट में INDTASG के नाम से जाना जाता है। इनक्लाइंड भी इसे बोला जाता है, इनक्लाइंड टूल के भी नाम से इसे शॉर्ट में बोल दिया जाता है। ये टूल जो है एम्स और नेशनल ट्रस्ट के अंडर में डेवलप हुआ था, एम्स द्वारा डेवलप किया गया था। और बेसिकली ये जो टूल है DSM-5 जो 2013 के अंदर आया था, उसमें ही ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को फर्स्ट टाइम ऐड किया गया था। तो उसके क्राइटेरिया जो रखा गया था ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का, कि क्या क्या क्राइटेरिया हो सकता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होने में, तो उसी के ऊपर जो है ये बेस्ड है पूरी तरीके से टूल, उसी के बिहाफ पर जो है ये टूल बनाया गया है। इनक्लाइन टूल को डेवलप करने के लिए जो है एक टीम बनाई गई, जिसके अंदर नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स थे, जिसके जो टीम मेंबर जो टोटल 49 टीम मेंबर थे, जिसके अंदर पेडिशियंस, आपके न्यूरोलॉजिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, साइकोलॉजिस्ट, बहुत सारे जो है एक्सपर्ट जो थे ऑटिज्म के एक्सपर्ट्स थे, जिन्होंने इस टूल को डेवलप करने में हेल्प करी थी। जैसे अभी बताया कि एम्स द्वारा जो मॉडिफाई किया गया इस टूल को, वो पूरी तरीके से DSM-5 के ऊपर बेस्ड था। इस टूल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए 29 क्वेश्चंस हैं जो पूरी तरीके से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के सिम्टम्स पर बेस्ड हैं। ये बनाने के अंदर जो है कार्स, एमचेट और ABC चेकलिस्ट जो है उसकी हेल्प ली गई है। सेक्शन बी जिसके अंदर 12 क्वेश्चंस है, ये पूरी तरीके से सेक्शन ए के ऊपर बेस्ड है। इस पूरे टूल को करने में 45 से 60 मिनट्स का टाइम जो है वो कंज्यूम होता है। 2 to 9 ईयर वाले बच्चों के लिए जो टूल अवेलेबल है, यानी अगर वो बच्चा 2 से 9 साल के अंडर में है तो उस पे ये टूल अप्लाई किया जा सकता है। ये टूल जो है करने के लिए पेरेंट्स का रिस्पांस और साथ ही साथ जो भी एक्सपर्ट जो है कर रहा है ये टूल फील, उसका ऑब्जर्वेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। दोनों के कॉम्बिनेशन से जो है ये टूल पूरा किया जाता है। और रिस्पांस को जो है मार्क यस नो या इंश्योर के अंदर किया जाता है। इस टूल को जब कोई एक्सपर्ट कर रहा है तो वो मॉडिफाई कर सकता है, डिफरेंट मेथड का प्रयोग कर सकता है, यानी जो उसके अंदर एग्जांपल्स दे रखे हैं, अगर सामने पेरेंट्स को समझ में नहीं आ रहे हैं तो उसी एज ग्रुप के उसी अकॉर्डिंग जो है लगातार 2-4 क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं सेम। तो डिफरेंट मेथड का जो है यूज किया जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा। ये टूल जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है।
जब भी ये टूल फिल किया जाएगा, जो बच्चे का प्राइमरी केयर गिवर है पेरेंट्स के अंदर, उसी द्वारा ये जो है टूल फिल किया जाएगा। क्योंकि जो बच्चे को पालता है, जो बच्चे की केयर करता है या बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है उसके साथ, तो उसको उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में पता होता है। इसलिए जो है प्राइमरी केयर गिवर बोला गया है, जो सबसे ज़्यादा उसके साथ रहता है, उसके ध्यान और देखभाल करता है। इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके अंदर एज स्पेसिफिक क्राइटेरिया दे रखा है। लाइक एग्जांपल के तौर पर कुछ क्वेश्चंस के अंदर दे रखा है कि एज 4 ईयर का अगर वो कम बच्चा होता है तो उससे ये क्वेश्चन पूछे, अगर 4 ईयर से जो एबव है उससे ये क्वेश्चन पूछे। तो जहाँ एज क्राइटेरिया दे रखा है वहाँ तो मैटर ही नहीं है, उसको फॉलो करना है। और जहाँ नहीं दे रखा है क्राइटेरिया, तो वहाँ पर जो है 2 से 9 ईयर तक के जो है बच्चों से क्वेश्चन जो है आप पूछ सकते हैं। उस एज का वो दिमाग में रखते हुए ही आपको बच्चों से क्वेश्चन को पूछना है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये जो पूरा टूल है सिर्फ एक्सपर्ट या पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं है, या सिर्फ पेरेंट्स जवाब दे रहे हैं या एक्सपर्ट जो है ऑब्जर्वेशन कर रहा है, या दोनों पर बेस्ड है। तो अगर दोनों के आंसर अलग अलग आते हैं एक ही क्वेश्चन का, कि पेरेंट्स कुछ कह रहा है और एक्सपर्ट का ऑब्जर्वेशन कुछ कह रहा है, अगर दोनों के आंसर अलग आते हैं तो दोबारा से उसे एसेस करें, दोबारा से ऑब्जर्व करें, फिर उसके साथ जाएं कि सही आपने सही ऑब्जर्व किया है या नहीं। यहाँ पर जो है स्टार्स का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुछ जगह पे जो है स्टार्स दे रखा है। अब ये स्टार दे कहाँ रखा है? सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, ये स्टार जो है कुछ क्वेश्चंस पे है, कुछ क्वेश्चंस में भी पेरेंट्स का जहाँ रिस्पॉन्स फिल करना है वहाँ पर है, कुछ जगह पर जहाँ पे एक्सपर्ट का रिस्पॉन्स है वहाँ पर है। पहली चीज़ क्लियर। उसके बाद जो नेक्स्ट बात है वो ये है कि स्टार का मीनिंग क्या है। अगर पेरेंट्स के रिस्पॉन्स पे जहाँ पर स्टार है तो उसका मतलब ये है कि आपके ऑब्जर्वेशन पे जो भी आ रहा हो, लेकिन जो इम्पोर्टेंस दी जाएगी वो पेरेंट्स के रिस्पॉन्स को दी जाएगी। अगर ऑब्जर्वेशन पे स्टार बना हुआ है, एक्सपर्ट के ऑब्जर्वेशन के रिस्पॉन्स पे स्टार बना हुआ है, तो पेरेंट्स का आंसर कुछ भी हो, इम्पोर्टेंस जो है एक्सपर्ट के ऑब्जर्वेशन को ही दी जाएगी। इसका मतलब ये है। अब तीसरा इस स्टार का मीनिंग सुनिए। अब यहाँ पर कई बार क्या होता है, इम्पोर्टेंस जो है पेरेंट्स की उसको दी जा रही है, स्टार बना हुआ है वहाँ पे, लेकिन अगर पेरेंट्स वहाँ पे अनश्योर है, उसे नहीं पता है, तो तब जो है स्टार चाहे पेरेंट्स के रिस्पॉन्स पे है लेकिन आपकी ही इम्पोर्टेंस मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे पेरेंट्स के रिस्पॉन्स पे स्टार तो है लेकिन वो चीज़ को श्योर नहीं कर रहा है, क्लियर नहीं कर रहा है। तो आपका जो भी ऑब्जर्वेशन करके रिस्पॉन्स आएगा तो आपका ही सही माना जाएगा। उसके बाद हो सकता है कि पेरेंट्स के उस पर स्टार बना हुआ है और वो उस चीज़ को अनश्योर हैं, आप भी उस चीज़ के लिए अनश्योर हैं, तब जो है आप अनश्योर ही लिखेंगे बजाय कि आप कुछ भी मार्किंग डालने के। यानी यहाँ पे अनश्योर भी है, येस और नो का आंसर भी है, और अनश्योर भी आप लिख सकते हैं, तो वहाँ पे अनश्योर ही आप लिखेंगे। इन क्लैन टूल 2 पार्ट्स में डिवाइड है, जैसे मैंने बताया था, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट A1 पार्ट A2। अब पार्ट ए भी जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट A1A पार्ट A1B पार्ट A1C। देख सकते हैं आप, A1A के अंदर 8 क्वेश्चन हैं जो सोशल इमोशनल रेसिप्रोसिटी के ऊपर बेस्ड हैं और ये आपको मैंडेटरी आइटम्स है, फिल करनी ज़रूरी है। नेक्स्ट आपका सेक्शन जो है पार्ट A1B है, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर है, जिसके अंदर 4 क्वेश्चन हैं, ये भी मैंडेटरी आइटम्स हैं। सेक्शन सी
आपका A1C जो रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है, जिसके अंदर 3 क्वेश्चंस है और मैंडेटरी आइटम्स हैं ये भी। उसके बाद जो है आपका सेक्शन A2 है, जो आपका स्टीरियोटाइप मूवमेंट्स और स्पीच के ऊपर रिलेटेड है, ये 7 क्वेश्चन है। ये आपका जो A2 वाला सेक्शन है वो आपका मैंडेटरी आइटम्स नहीं है, लेकिन हाँ इसके अंदर 4 आइटम्स जो हैं उनमें से आपको एटलीस्ट 2 फिल करनी ज़रूरी है। सारी हो जाती है तो सारी करनी ज़रूरी है, कर सकते हैं, लेकिन ये टोटली जो है बेस्ड है कि बच्चा किस पे बोल सकता है, एक वर्ड बोल पा रहा है या 2 सेंटेंसेस बोल पा रहा है, तो उसके ऊपर ऑप्शनल पे है कि वो क्या जो है कितना फेल होगा। सभी के अंदर जो है ये जो आपका A2 वाला सेक्शन है उसमें नीचे गाइडलाइंस दे रखी हैं कि किस के जो कैसे बच्चे हैं उसको किस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो आप पूछेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं A2 जो है वो आपका 7 क्वेश्चन है, सेक्शन बी A2B रूटीन्स पे बेस्ड है 1 क्वेश्चन है, A2C के अंदर फिक्स इंटरेस्ट बेस्ड है 1 क्वेश्चन है, A2D 4 क्वेश्चंस बेस्ड है उस पे, सेंसरी आइटम्स पे बेस्ड है ये। तो ये आपका मैंडेटरी आइटम्स नहीं है, लेकिन हाँ आपको जो भी गाइडलाइंस हैं वो क्वेश्चंस के अंदर नीचे मिल जाती हैं। सेक्शन बी के जो 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन हैं वो पूरी तरीके से आपके एक सेक्शन पे बेस्ड हैं, तो इसलिए A1 के जितने भी पार्ट हैं ज़रूरी हैं फुलफ़िल होने चाहिए, A2 के एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस जो हैं 4 में से वो फुलफ़िल होने चाहिए और प्रेजेंट भी होने चाहिए। इसके अलावा बच्चे के अंदर अर्ली साइन जो हैं वो दिखाई देने चाहिए और फंक्शन जो है बच्चे के अंदर इम्पेयर्ड होनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, आपको ये टूल समझ में आया होगा। नेट पे जो है इजीली इसकी सैम्पल कॉपी अवेलेबल है, अगर आप वो निकाल के देखेंगे तो और अच्छे से टूल जो है समझ में आएगा। और जाने से पहले अगर क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी जल्दी से दबा लीजिए। और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जो है फॉलो कर सकते हैं, और अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, एक बार फिर से हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ। शुक्रिया, नमस्कार।